नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने 11th का फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनसे रिलेटेड कुछ ये वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्या आपने अभी तक 11th महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन नहीं लिया है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए लिंक जो है सैटरडे 1 तारीख तक, मतलब 1 अक्टूबर तक ये लिंक ओपन है, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो कि आपका लिंक ओपन था वो 25 तारीख को, 25 सितंबर को जो इसका डेट था वो लिंक हुआ था, जिसमें कि पार्ट टू आपको भरना था। जिन्होंने पार्ट वन भरा था उसको पार्ट टू भरना था और लेकर जाकर कॉलेज में सबमिट करना था। उसके बाद कॉलेज का टाइमिंग था आपको 25 और 26 को स्टूडेंट को जो पार्ट वन और पार्ट टू का सिलेक्शन करना था, उसके बाद लेके कॉलेज में सबमिट करना था। अब कॉलेज में सबमिट करने के बाद कॉलेज वाले क्या करते थे, उसे अपने कॉलेज में शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले वो क्या करते थे, पार्ट टू को क्या करते थे, लॉक करते थे। जो कि आपका शाम को 7 बजे से क्या करें, शाम से 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले कॉलेज वाले लॉक करते थे और 10 से 5 बजे वो क्या करते थे, कंफर्मेशन करते थे अपने कॉलेज के आईडी से, यूज़र नेम से वो करते थे। तो इसका जो डेट था साथियों वह 27, 28 और 29, 30, ये 3-4 दिन तक टोटल चला, जिसमें वह सेम था। शाम को सात बजे वो क्या करते थे, वो फॉर्म को क्या करते, सेकंड फॉर्म को क्या करते थे, लॉक करते थे और सुबह 10 बजे क्या करते थे, वो अपने कॉलेज के आईडी से उसे कंफर्म करते थे, उसे प्रोसीड करते थे। अभी 1 तारीख तक क्या करा गया है कि सबको फॉर्म भरने के लिए क्या किया गया है, सबको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको ओपन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट जो है 11th महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट जो है वो 1 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं जूनियर कॉलेज में, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर वेबसाइट बंद हो जाती है तो क्या होगा, इससे रिलेटेड हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो नहीं आएगी एडमिशन से रिलेटेड वो आपको ज़रूर मिले।